हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए हम बात करते हैं पजल की। तो फर्स्ट पजल आपकी है, लिखा है क्या, वन। ठीक है, तो वन को हमने यहाँ पे कोड किया कितना, 314 से, और टू को हमने यहाँ कोड किया क्या, 325 से, थ्री को हमने यहाँ कोड किया 538 से, एंड फोर को हमने यहाँ पर कोड किया 448 से, और यहाँ पर जो सिक्स है इसको हमने कोड किया यहाँ पर किससे, सिक्स क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब इसको आपको एक्चुअली पहचानना पड़ेगा इसका मतलब यहाँ पे क्या है। इसकी ये वन को यहाँ पे हमने किस वजह से इसको यहाँ पे कोड किया कितना, 314 से। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चीज़ें पर क्लियर करिए। अगर आप चीज़ें परेशान होती सोचने में, देन आप वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। अगर आप निकाल लेते हैं तो वीडियो को ही स्किप करिए, कोई दिक्कत कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, है ना। फिर देखते हैं इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे वन है, तो वन में थोड़ा सा ध्यान दी कि यहाँ पे क्या आया, थ्री आया। थ्री कैसे आ सकता है, तो एक मिनट, हमने यहाँ सोचा वन वन टू थ्री, यानी कि थ्री लेटर है इसमें, इसका मतलब थ्री यहाँ पे आया होगा। अब ये क्योंकि थ्री लेटर है तो यहाँ पे थ्री आ गया। ठीक है, अब देखिए वन का जो न्यूमेरिक नंबर हम लेते हैं कितना आता है, वन आता, तो यहाँ वन आ गया, और थ्री प्लस जैसे ही हम वन करेंगे कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। इसका मतलब चीज़ें बिल्कुल बन रही है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसमें देखिए कितने लेटर है, इसमें तीन लेटर थे आपके, तो यहाँ पे थ्री आया। वन का हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है। जब आप नंबर में वन को लिखेंगे क्या लिखेंगे, वन ही तो लिखेंगे। इस तरह यहाँ पे देखो वन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर आ जाएगा। चलिए देखते जो हमने काम इसमें किया है, क्या इसमें काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। टू टू में देखिए कितने लेटर हैं, सर थ्री लेटर हैं, इस वजह से देखो यहाँ पे थ्री आपका आया है। और टू का न्यूमेरिक नंबर कितना होता है, सर टू होता है, हमको पता ही आ जाएगा। और जैसे ही सर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाँच आ जाएगा। मतलब सर चीज़ें बन रही हैं, है जो हम सोच रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं थ्री की, देख लेते हैं इसमें एक्चुअली जैसे चीज़ आई बिल्कुल मतलब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थ्री में देखो कितने लेटर हैं आपके, पाँच लेटर हैं सर, यहाँ पे फाइव आ गया आपका। और थ्री का न्यूमेरिक नंबर कितना होता है, थ्री का न्यूमेरिक नंबर सर तीन होता है, तो हमने यहाँ पे तीन लिखा। और जैसे सर इन सबको हमने ऐड किया कितना आ गया आपका, एट आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है सर, जो नंबर है उसमें हम पहले लेटर काउंट कर रहे हैं, देन उसका जो मेन नंबर होता है न्यूमेरिक नंबर हम वो ले रहे हैं, उसका दोनों नंबर को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वही सेम प्रोसीजर यहाँ भी होगा, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अब हम आते हैं रिजल्ट की तरफ, यहाँ पर सिक्स लिखा हुआ है ना। लेकिन सबसे पहले हमको क्या लेना लिखना है, इसमें कितने लेटर हैं, कितने लेटर हैं यहाँ पे, तीन लेटर है, तो हमने यहाँ पे तीन लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसके जो न्यूमेरिक नंबर होता है सिक्स का, को हम लोग कैसे लिखते हैं न्यूमेरिक में, सिक्स को हम लोग इस तरह लिखते हैं, हम इस तरह लिख देंगे। अब क्या देखते हैं, इनको हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे ही हम सिक्स और थ्री और सिक्स को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, नाइन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करें मेरी चीज़ें बिल्कुल आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, इसी तरह चीज़ें आपको करनी है, कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।